फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ जाएगा। आज की वीडियो है खास, बहुत कमेंट आते हैं इस चीज़ के लिए कि मैं जो फ्लोट करता हूँ मेरे पैर नीचे चले जाते हैं, या फिर करते समय स्विमिंग फ्री स्टाइल करते समय हम सांस कैसे लें। तो आज की टिप्स है जो सारी की सारी इन्हीं दो बेसिक्स के ऊपर है कि जब हम फ्लोट करते हैं तो हमारे पैर नीचे जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, या कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, जब आप फ्लोटिंग करते हो तो जो उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपकी कुछ आप प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपकी गलती बार बार हो रही है, उसकी एक छोटी सी क्लिप बना के मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, उसके ऊपर डाल देना, जिसके कारण मैं आपकी जो मेन कमी है वो मैं बता दूंगा कि क्या है, कि इसलिए आपकी चीज़ ये चीज़ गलत चल रही है, ठीक है। और ग्रुप में कुछ भी फालतू मत डालना, एक पोस्ट आपका फालतू मैं तुरंत रिमूव कर दूंगा, चाहे आपको बुरा लगे, ठीक है। मेरा ये ऐसा नहीं है कि हाँ भी आप, बल्कि जो अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज लेनी है उसके लिए लो, बल्कि फालतू की वीडियो नहीं डालनी, या कोई फालतू का मैसेज नहीं डालना, ना कोई गुड मॉर्निंग का, ना कुछ गुड इवनिंग का, ठीक है। तो कोई इंपॉर्टेंट है वो बात आप पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, फ्लोटिंग के लिए क्या करना होता है कि अगर आपकी टांगें बार बार नीचे जा रही है, क्या होता है कि हमारे यहाँ पे फेफड़े होते हैं, तो फेफड़ों में हवा रुक जाती है, जिसके कारण हमारा ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहता है, नीचे लेग्स हमारी बार बार नीचे जाती है। वैसे मैंने वीडियो बना ली है यहाँ एक लड़की की, शेदी की, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, उसकी टिप्स दिखा दूंगा। जब भी आप फ्लोट करते हो तो टांगे नीचे जेन्युइन जाएगी जाएगी, क्योंकि उसमें हवा का सोर्स नहीं है कि हवा स्टोर हो सके, ठीक है। तो हम इतना ट्रेंड भी नहीं है कि हम उसको ऊपर रोक सके, कोई कितना भी ट्रेंड हो उसको ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रख सकता, थोड़ी देर ही ऊपर रहेंगी। आप फ्लोटिंग आसान करने के लिए क्या कर सकते हो, ऐसे सांस ले सकते हो, इसको होल्ड करके फ्लोटिंग करोगे, बिगनर के लिए है ये चीज़, इसको होल्ड करोगे तो आपकी जो बॉडी है वो कुछ देर तक आपके होल्ड रहेगी, जब तक आपने सांस रोका है, उसके बाद नाक से धीरे धीरे छोड़ने लग जाओ, ठीक है। आपने होल्ड किया, ऐसे पकड़ा हुआ है पैप, आपने सांस लेना, ऐसे सांस लेना और बीच में फेस अंदर करके होल्ड कर लेना है, जिसके कारण आपकी बॉडी चेस्ट में हवा भर जाएगी, वो आपकी बॉडी ऊपर रहेगी, लेग्स कुछ देर के लिए ऊपर रहेगी, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर रहेगी, और आपने कंटिन्यू चलाना स्टार्ट कर देना है, स्टार्ट करने की पैर के आपके ऐसे ना हो, पैरों को ऐसे मरोड़ लेना, फिर आपने ऐसे ऐसे चलाना है पैरों को, ठीक है। हालांकि जो मैं वीडियो दिखाऊंगा उसमें पैर सीधी गलत चला रहा है, पर ठीक है, बिगनर ऐसे ही चलाते हैं, उसको भी इतना आता नहीं है, बस कर लेता है वो स्विमिंग, उसकी स्विमिंग भी दिखाऊंगा और सांस कैसे लेते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत सांस, बिल्कुल ही सांस नहीं लेने आता, आप चार हाथ मार के डॉग पैडलिंग करके सांस लेके फिर आप फिर हाथ मार सकते हो, फिर डॉग पैडलिंग कर सकते हो। डॉग पैडलिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप पीछे सांस ऐसे करके सांस नहीं लेने आता, तो आप मुँह ऐसे बाहर निकाल के सांस लेके फिर अंदर कर सकते हो, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया, वो आप देख सकते हो, ठीक है, आगे मैं दिखाऊँगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। फ्लोटिंग में आपके पैर नीचे जाएंगे जाएंगे, ये बिगनर है, इसमें तो जाते ही जाते हैं सबके, चाहे मैं करूं चाहे चिंटू करूं, उसके पैर नीचे जाए जाएंगे, पर फ़र्क ये पड़ता है कि जो ट्रेंड है, जिसको अच्छे से आती है, उसके पैर थोड़ा लेट नीचे जाएंगे, बस ये फ़र्क पड़ता है। सांस लेने में मैंने स्पेशल अलग से काफ़ी पार्ट बना रखे कि सांस कैसे ले, फ्री स्टाइल करते समय बाहर भी बताया हुआ, अंदर भी बताया, किकिंग कैसे चलाते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, पानी में बना रखी है, बिना पानी के भी बना रखी है, बाहर प्रैक्टिस कौन सी करनी है, जो कि आप घर में इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है कि आपको फिर भी कोई इशू आता है, बाकी व्हाट्सअप पे आप छोटी सी क्लिप बना के डाल सकते हो, जिसके कारण मैं आपको इजीली बता दूंगा, ठीक है। तो चलो एक बार मैं आपको वो स्विमिंग की टिप्स दिखा देता हूँ जो आपने फ्लोटिंग करनी है, ठीक है। फ्लोट करते समय पैर नीचे जाते हैं, जैसे ही आप फ्लोट पैर ऊपर आ गए आप किकिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर हम होल्ड नहीं कर सकते, और वीडियो के साथ जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ सेम प्रॉब्लम आपकी आ रही होगी, उसी में यही इलाज है कि जैसे ही आप फ्लोट में आते हो किकिंग चलाने लग जाओ, किकिंग जितनी फास्ट चलाओगे उतना आप सीधा तेज जाओगे, और किकिंग में सिर्फ ऐसे ऐसे पैर नहीं हिलाने होते, ये मतलब कि ये समझ लो आपके नीज है, तो नीज ऐसे मतलब कि इतना मूवमेंट तो नीज का चाहिए चाहिए, इतना नीज मतलब कि हल्के पैर, इतने से पैर फोल्ड हो रहे हैं और इतना नीज पैर चल रहे हैं तो चलेगा, ठीक है। पर याद रखना कि आप ऐसे ऐसे पैर चला रहे हो और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इसलिए आपको दिक्कत होगी। बाकी कमेंट करने से पहले एक बार मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लो, प्लेलिस्ट में कैसे जाना होता है, पहले आज सबसे पहले आपने मेरे चैनल पे क्लिक करना है, जो कि इधर आता है, पता नहीं इधर आता है, मेरी फोटो लगी हुई है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर मेरा प्रोफाइल खुल जाएगी, सबसे पहले होम बटन होगा, उसके बाद होगा वीडियोज, ऑल वीडियो में जाओगे तो भी मिल जाएगा, उसके बाद शायद प्लेलिस्ट आती है या फिर कमेंट आता है, पता नहीं, प्लेलिस्ट में जाओगे उसमें लिखा हुआ ऑल स्विमिंग पार्ट, ठीक है, उसके ऊपर जाओगे, जितने भी जो पिछले साल डाले या इस साल डाले सारे आपको वीडियो लगातार चलेगी मेरी, वो आप यहाँ वहाँ जाके देख सकते हो। अदरवाइज़ आप वीडियो में जाओगे तो हफ्ते में दो वीडियो मिलती है, उसमें भी आपको मिल जाएगी आसानी से इस सीज़न वाली, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था बताना मैंने, तो चलो एक बार पानी में दिखा देते हैं, अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है मुझे हैशटैग लगा के मुझे बता देना कि ये कमी है, और हैशटैग लगा के बता देना नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाओ। तो चलो पानी में चलते हैं।
तो फ्रेंड्स पानी में आ गए, ये चेक कर सकते हो, ये बिगनर है, इसको ज़्यादा स्विमिंग नहीं आती, पर तैरता ठीक है, ये थोड़ा बहुत तैरना आता है इसको। तो क्या होता है कि जब हम फ्लोट करते हैं तो हमारे पैर बार बार नीचे जाते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट में मतलब चेस्ट में हमारे जो फेफड़े होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन है वो स्टोर हो जाती है, जिसके कारण हम फ्लोटिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो लेग्स नीचे जाना स्वाभाविक है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप ऊपर आओगे तो बार बार आपको किकिंग करनी पड़ेगी, ये कम पानी में कर रहा है इसलिए पैर मार के ऊपर बार बार आ रहा है, पर चेक कर सकते हो आपके भी साथ सेम हो रहा होगा, आप सेम ऐसे ही आपकी लेग्स बार बार नीचे जा रही होंगी। अब करना क्या है, जब ये फ्लोटिंग करनी है तो तुरंत किकिंग करने लग जाना है, मतलब कि जैसे ही आपने फ्लोट करना है आपने हाथ से पकड़ के रखना है तो हल्का ऊपर करना है और आपने साथ में किकिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे हल्की फुल्की किकिंग करोगे इससे आप ऊपर तो रहोगे पर आगे स्पीड में नहीं बढ़ पाओगे, अगर आप इसको तेज करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। ये चेक कर सकते हो कि इसमें सिर्फ नी बेंड कर रहा है, ये पूरे पैर नहीं चला रहा। ठीक है, तो पूरे पैर चलाने होते हैं, ठीक है, तेज करनी होती है स्विमिंग, और पैर मूवमेंट भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपको धीरे धीरे सारा कुछ आ जाएगा। तो अब मैं सांस कैसे लेते हैं वो भी दिखा देता हूँ। इसको एक डॉग स्विमिंग, इसको भी मतलब कि इसको तैरना आता है तो इसको डॉग स्विमिंग की नहीं इसने, मैं आपको दिखा देता हूँ फ्री स्टाइल में कैसे करते हैं। पैर आपने फास्ट चलाने हैं, ठीक है फ्रेंड्स, चेक कर सकते हो, हल्का सा पुश लेना है आपने सांस लेते समय, आप चाहे ज़्यादा फेस बाहर निकाल के भी इजिली सांस ले सकते हो, और पैर मूवमेंट आपकी चलनी चाहिए इजिली। ठीक है, सांस लेने के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, आप देख चेक कर सकते हो कि ये पूरा फेस बाहर निकाल के सांस ले रहा है, इजीली छोड़ रहा है और सांस ले रहा है, ये एक ही साइड ले रहा है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्टार्टिंग में दोनों साइड से सांस करना है, सांस लेनी है। ठीक है, तो ये चेक कर सकते हो, सांस लेने के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिगनर के लिए होती है स्टार्टिंग में, उसके बाद सही हो जाता है। आप चेक कर सकते हो, उधर से 6 फुट है तो इधर ये 3 फुट है, तो स्टार्टिंग में ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बिगनर को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता जाता है वैसे वैसे चली जाती है। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि इस महीने मेरा ज्वाइनिंग बटन मैं इनेबल कर दूंगा, अगर आप ज्वाइन बटन ज्वाइन करते हो तो आपको मैं मतलब कि 2 दिन की कोचिंग फ्री देने वाला हूँ। आप मेरे पास कुरुक्षेत्र शहर में आओगे, आपको एड्रेस मिल जाएगा पूल का, आप यहाँ पे आओगे, उसको मैं 2 दिन की कोचिंग बिल्कुल फ्री देगा। आपको जो पूल का खर्चा वो देना पड़ेगा वो 150 रुपये, अगर आपके पास कॉस्ट्यूम नहीं है, अगर कॉस्ट्यूम है तो आपको मिलेगा वो 120 में। ठीक है, मतलब कि 1 घंटे का, मतलब कि वो टाइम मैं बढ़वा लूँगा, और आपको 2 दिन की कोचिंग मैं बिल्कुल फ्री दूंगा अगर आप मेरे मुझे ज्वाइन करते हो। मतलब कि जो भी आया उसकी फ़ीस रहती है 150 समथिंग कुछ रहती है, 59 रुपीज़ रहती है। ठीक है, वो आपको मंथली आपका मतलब कि 1 मंथ का पैकेज होगा, कि उसमें मैं आपको क्या क्या दूंगा, उसमें मैं आपको काफ़ी बेनिफिट दूंगा, जिसमें मैं दो दो दिन की कोचिंग बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ जो भी बटन ज्वाइन करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो स्पेशल वीडियो आएगी उन्हीं के लिए, वो सिर्फ उनको दिखेगी जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उनके लिए मैं स्पेशल वीडियोस भी डाला करूँगा। और क्या कहते हैं, जब मैं कोई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उनको मिलेगा, बकायदा उनको एक्स्ट्रा स्टिकर्स भी मिलेंगे। स्टिकर्स मतलब कि जब मैं लाइव आऊँगा तो आप वो स्टिकर्स करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने मेरा मेंबरशिप ज्वाइन की हुई है। और मेंबरशिप ज्वाइन करने की कोई ज़्यादा बड़ी फ़ीस तो है नहीं, बल्कि 160 रुपया, कोई बड़ी ज़्यादा नहीं है, 1 महीने की 160 रुपये, अगर देखा जाए तो 1 दिन का 2-2.5 रुपये बस ही बैठेगा। ठीक है, तो बस यही था। तो अब वीडियो, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जो चीज़ मैंने दिखानी थी दिखा दी, स्विमिंग फ्री स्टाइल कैसे करते हैं वो भी मैंने दिखा दिया, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपसे ये गलती नहीं होगी। वैसे स्टार्टिंग में ये चीज़ रहती है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मुंह में पानी चला जाता है, इसके ऊपर मैंने एक पार्ट बनाया हुआ है, और क्या कहते हैं लेग्स नीचे जाती जाती है, ये स्वाभाविक रहता है। ठीक है, बिगनर के लिए कुछ चीज़ें प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता करता ऑटोमेटिकली सारी दूर हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो छोटी सी अच्छी लगी हो, और इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम, शायद ब्रेस्ट स्ट्रोक के बनाऊँगे या फिर बटरफ्लाई बनाऊँगा, इन दोनों में से एक बनाऊँगा। बाकी अगर जिसके ऊपर कमेंट ज़्यादा है तो वो मैं उसी के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, जिसके कारण आप अच्छे स्विमिंग सीख पाओगे और बेनिफिट में आपको मिलेगा कि आप कभी भी इन द केस आप कभी नहर में नहाते हो या कहीं नहाते हो तो आप डूबोगे नहीं। खासकर क्या होता है कि हम टूर जाते हैं घूमने, गोवा जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ बीच पर नहाना होता है और हमें तैरना नहीं आता तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। खासकर मुझे इस चीज़ की काफ़ी मुझे फेस करना पड़ता है कि कमेंट आते हैं कि हम वहाँ घूमने गए थे और वहाँ पर मुझे तैरना नहीं आता, मेरे दोस्त नहा रहे थे, मैं इन्जॉय नहीं कर पाया, मैं तो बाहर ही रह गया। तो शायद थोड़ा बहुत आपको मेरे चैनल पे बेनिफिट हो। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट पार्ट, एक चीज़ और बतानी थी मैंने कि मेरा बहुत जल्दी ज्वाइन बटन आने वाला है, मतलब कि 30K सब्सक्राइबर के बाद आता है, 30K सब्सक्राइबर हो गया आपकी वजह से, आपने इतना सपोर्ट किया, और मेरा ज्वाइन बटन आने वाला है, मैं उसको शुरू करने वाला हूँ, मतलब कि ऑन करना है मुझे, और ऑन करते समय उसमें आप मेंबरशिप मिलेगी, आपको 160 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 159 है। तो उसमें क्या होगा, उसमें मैं आपको स्पेशल मतलब कि जो आएगी, एक तो वीडियो उस पर स्पेशल दूंगा, और दूसरी बात कि उसमें मैं किसी को शायद हो सके तो
फ़ोन भी करूँगा, महीने में एक बार उनको फ़ोन आएगा जो मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, और क्या कहते हैं कि जो स्पेशल टिप्स है वो उनके ऊपर भी मैं डालूँगा, मतलब कि जो पर्सनली होती है ना कि पर्सनल कोचिंग करनी किस को कह सकते हैं, वो चीज़ मैं उस पर वीडियो डालूँगा। बाकी अभी मैंने कुछ कंफर्म नहीं किया उसका करना क्या क्या है, मतलब कि उसमें कुछ खास खास बेनिफिट आपको मैं दूंगा ज़रूर। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। और हाँ, जो ज्वाइन बटन ज्वाइन करेगा उनको मैं, मतलब कि अगर कुरुक्षेत्र में वो आते हैं मेरे से कोचिंग लेते हैं, तो उनको 2 दिन की फ्री कोचिंग दूंगा, बिल्कुल फ्री, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है। बाकी उनको पूल का पे करना पड़ेगा, जो भी 120 या 150 रुपया है तो वो उनको पे करना पड़ेगा, बाकी मेरी तरफ से उनको कोचिंग बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है। बस यही था अपडेट। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, क्योंकि मेहनत तो लगती है, अभी मैं धूप में खड़ा हूँ और बुरा हाल हो रखा है। तो चलो फ्रेंड्स, गर्मी इंजॉय करो पूल में आके, और घर में भी नहा सकते हो, टब में कोई इशू नहीं है। और बस यही था। नेक्स्ट वीडियो किस पे आए लाइक कर देना, बता देना, हैशटैग लगा देना, जो आपने करना है कर लेना। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, फेसबुक को लाइक कर देना, और बस बाय फ्रेंड्स, गर्मी इंजॉय। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ये चैनल है स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर आप स्विमिंग की वीडियो देख रहे हो। ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मेरी मोबाइल की अनबॉक्सिंग आती है और गेमिंग टेस्ट आते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू वॉच द वीडियो।